यहाँ पे गैस पैप जो है 30-40 साल पुराने वो सीधे हो चुके हैं, इसमें जो है पानी आ रहा है, नालों में गुजरे हुए हैं। हमने इसलिए जो है इस बार जो है तो बाइकाट किया हुआ है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, ना वोट मांगने के लिए आए, ना हमें शर्मिंदा करें। वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, पिशावर के इलाके नोथिया के महल जुमा खान के मकीन अवामी नुमाइंदों से नाराज, इजहार के लिए बैनर लगा दिया। अहले इलाका का कहना है कि गैस पाइपलाइन का काम बरसों से ताखीर का शिकार है, नकासी आपकी लाइने डाली गई, ना ही सड़कों की तामीर हुई। अवामी नुमाइंदे वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं, वोट चाहिए तो पहले हमारे मसाइल हल करें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव में इजाफा, डच हुकूमत का नीदरलैंड में इतवार से मुल्क की लॉकडाउन का ऐलान। दुकानें, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम और जिम अगले माह 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। नीदरलैंड में 24 घंटों के दौरान 14,600 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो चुके। फैसल करीम कुंडी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, फैसल करीम कुंडी इल्जाम साबित करे वरना अदालत जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल, कहा फैसल कुंडी के बड़ों ने मुल्क को लूटा। मुझे तो 3 दिन पहले पता चला कि उमर खताब शिरानी इलेक्शन लड़ रहा है, कभी शिरानी से बात हुई ना कभी ANP के किसी ओहदेदार से मुलाकात, चेक करूँगा ANP को सिक्योरिटी क्यूँ नहीं दी गयी। आर्मी चीफ से इंडोनेशियन वजीर खारजा मिसिज रत्नोमर सऊदी की मुलाकात, ISPR के मुताबिक दफाई ताल्लुकात में वुसत समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। अफगानिस्तान में बहरानी कैफियत हंगामी इदारा जाती मैकेनिज्म की तश्कील की मतकाजी है। आर्मी चीफ से जर्मन के खसूसी नुमाइंदे की भी मुलाकात। सिंध में सर्दियों की छुट्टियां कब होंगी, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। NCOC के फैसले के बाद तातीलात पर सिंध हुकूमत का नया हुक्मनामा। महकमा दाखिला सिंध ने पहले 20 दिसंबर से तातीलात का ऐलान किया, फिर NCOC की हिदायत पर अमल के लिए कह दिया गया। बगैर M-टैग और कम बैलेंस वाली गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकावट बनने पर जुर्माना होगा। IG मोटरवे इनाम गनी का कहना है कि टोल प्लाजा पर ग्रीन लेन M-टैग में बैलेंस वाली गाड़ियों के लिए मखसूस M-टैग लगवाएं, बर वक्त रिचार्ज कराएं, सफर आसान बनाएं।